वाराणसी में भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम मोदी की मीटिंग जारी। बैठक में कई राज्यों के उप मुख्यमंत्री भी शामिल। सभी को सुशासन और गुड गवर्नेंस का मिल रहा है मंत्र। सीएम संग बैठक से पहले पीएम मोदी ने काशी क्षेत्र के संगठन और प्रशासनिक अधिकारियों की मीटिंग ली। बैठक में काशी क्षेत्र की तरक्की पर चर्चा की। नेताओं को चुनाव के लिए जीत का भी मंत्र दिया। मीटिंग में सीएम योगी बीएल संतोष हुए शामिल। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, प्रदेश संगठन महामंत्री सुनील बंसल और प्रदेश चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद रहे। सुबह सुबह सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किए बाबा विश्वनाथ के दर्शन। पत्नी गीता धामी के साथ पहुंचे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर। इसके बाद मुख्यमंत्री मीडिया से मुखातिब हुए। कहा, पीएम मोदी विकास की धारा बहा रहे हैं। साथ ही सीएम धामी ने विपक्ष की मानसिकता पर भी सवाल उठाए। चाहे देश का विकास हो, चाहे देश की आर्थिक व्यवस्था हो, या देश की सीमाओं की सुरक्षा की बात हो, हर क्षेत्र में भारत आगे बढ़ रहा है और मोदी जी के क्षेत्र में, मोदी जी के नेतृत्व में पूरी दुनिया के अंदर भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान हर क्षेत्र। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने सुबह सुबह अपनी पत्नी के साथ काशी विश्वनाथ धाम में पूजा अर्चना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने वाराणसी दौरे के दौरान एक बार फिर सभी को चौंकाते हुए आधी रात को विश्वनाथ मंदिर पहुंचे। इस दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ मौजूद थे। विश्वनाथ मंदिर में कुछ देर बिताने के बाद पीएम ने बनारस रेलवे स्टेशन का भी निरीक्षण किया। पीएम ने सीएम योगी के साथ स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर कुछ देर टहलते हुए दिखाई दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ सफाई और बाकी व्यवस्थाओं का जायजा लिया। साथ ही स्टॉल पर मौजूद दुकानदारों का हाथ हिलाकर अभिवादन किया। पीएम मोदी ने क्रूज पर ही भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। इस दौरान भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह समेत भाजपा नेता मौजूद रहे। ये बैठक रात करीब 8 बजे शुरू होकर 12 बजे खत्म हुई। बैठक करने के बाद पीएम गौदोलिया चौराहे गए। यहां उन्होंने निर्माण कार्य का मुआयना किया। इस दौरान प्रधानमंत्री जनता के बीच चले गए, हाथ हिलाकर लोगों का अभिनंदन किया। डेढ़सीपुर से गौदोलिया चौराहे तक लौटते वक्त पीएम मोदी ने एक बच्चे को दुलार भी किया। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने खुद अपने मोबाइल में काशी का भव्य नजारा कैद किया। सीएम ने मोबाइल से वीडियो बनाते हुए कमेंट्री की। गंगा आरती के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने देखा लेजर शो का शानदार नजारा। क्रूज से गंगा घाट पर लेजर शो की शानदार लाइटिंग से दशाश्वमेध घाट रोशनी से हुआ सराबोर। घाट से आसमान तक दिखा लेजर लाइटों का नजारा, मंत्रोच्चारण की भी गूंज। लेजर शो के दौरान सीएम योगी और पीएम मोदी एक साथ दिखे। लेजर लाइट शो के बाद गंगा घाट पर भव्य आतिशबाजी का भी दिखा नजारा। रंग बिरंगी आतिशबाजी से आसमान भी हुआ रंगों की रोशनी से सराबोर। आतिशबाजी के दौरान हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठे काशी के घाट, शिव दिवाली की धूम। कार्यक्रम के बाद प्रधानमंत्री मोदी सभी मुख्यमंत्रियों के साथ फोटो खिंचवाते दिखे। सभी मुख्यमंत्री पीएम मोदी के साथ एक ही फ्रेम में आए नजर। काशी के रंग बिरंगे घाटों के बैकग्राउंड मिली ऐतिहासिक तस्वीरें। अलकनंदा क्रूज में सवार प्रधानमंत्री मोदी ने देखी गंगा आरती। दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती का देखा भव्य नजारा। लेजर लाइट शो का भी लिया नजारा। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी रहे मौजूद। गंगा आरती के लिए क्रूज पर सवार पीएम मोदी ने लोगों का हाथ हिलाकर किया अभिवादन। माँ गंगा को किया नमन। जगमग काशी का ज्योतिर्मय नजारा हाथ जोड़कर निहारते दिखे पीएम। वाराणसी शहर में जले 2 लाख दिए। गांव और ब्लॉक में जले 4 लाख दीप। 5 लाख दियों से सजा काशी का घाट।
दिन में लोकार्पण के बाद शाम में रंग बिरंगी रोशनी में सराबोर नजर आया काशी विश्वनाथ धाम का भव्य नजारा। शाम में बाबा विश्वनाथ धाम में सप्तऋषि आरती की दिखी धूम। पीएम मोदी के साथ क्रूज पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी देखा दिव्य गंगा आरती का भव्य नजारा। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी साथ आए नजर। गंगा आरती के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने देखा लेजर शो का शानदार नजारा। क्रूज से गंगा घाट पर लेजर शो की शानदार लाइटिंग से दशाश्वमेध घाट रोशनी से हुआ सराबोर। घाट से आसमान तक दिखा लेजर लाइटों का नजारा, मंत्रोच्चारण की भी गूंज। लेजर शो के दौरान सीएम योगी और पीएम मोदी एक साथ दिखे। लखीमपुर खीरी कांड में एसआईटी ने हत्या की सोची समझी साजिश माना। लखीमपुर खीरी कांड में एसआईटी ने हत्या की सोची समझी साजिश माना। जांच के बाद सभी 14 लोग पर दर्ज मुकदमों की धाराएं बदली गईं। सभी आरोपियों पर प्लानिंग करके अपराध करने का आरोप। उत्तराखंड में ऑल वेदर रोड के चौड़ीकरण को मिली मंजूरी। सुप्रीम कोर्ट ने ऑल वेदर रोड के चौड़ीकरण की दी अनुमति। अदालत ने कहा सरकार का फैसला देश की रक्षा जरूरतों के मुताबिक। बसपा सुप्रीमो मायावती ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहा अकाली दल और बसपा का गठबंधन पंजाब में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगा। बीएसपी व अकाली दल गठबंधन की पूर्ण बहुमत की सरकार जरूर बने। मायावती का भाजपा सरकार और विरोधी पार्टियों पर निशाना, कहा ताबड़तोड़ घोषणाएं उद्घाटन और लोकार्पण से इनका जनाधार बढ़ने वाला नहीं। शिलान्यास व कच्चे कार्यों के उद्घाटन एवं लोकार्पण आदि करने से भी इन विरोधी पार्टियों का जनाधार बढ़ने वाला नहीं है। बसपा अध्यक्ष ने यूपी में दल बदल की राजनीति को लेकर भी बयान दिया, कहा दूसरी पार्टियों से निष्कासित निष्क्रिय और स्वार्थी लोगों को शामिल करने से कुछ नहीं होगा। निष्क्रिय व स्वार्थी किस्म के लोगों को शामिल करने से किसी भी पार्टी का जनाधार बढ़ने वाला नहीं है। गाजियाबाद के विजयनगर इलाके में शादी के दौरान युवकों का फायरिंग करते हुए वीडियो आया सामने। राइफल और पिस्टल से फायरिंग करते नजर आ रहे हैं कुछ युवक। गाजियाबाद के घंटाघर इलाके में दूल्हा दुल्हन का फायरिंग करते हुए वीडियो वायरल। शादी समारोह का बताया जा रहा है वायरल वीडियो। पुलिस मामले की जांच में जुटी। नैनीताल के खैरना में सड़क हादसे की तस्वीर सीसीटीवी में कैद। बिना देखे सड़क क्रॉस कर रहे बाइक सवार को बचाने के चक्कर में टैक्सी पलटी। हादसे में सभी लोग सुरक्षित। कानपुर के शिवली शिवराजपुर मार्ग पर बाइक और ट्रैक्टर की जोरदार टक्कर। बाइक सवार दो लोगों की जिंदा जलकर हुई मौत। मरने वाले दोनों चचेरे भाई। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 5,784 नए मामले सामने आए। 252 लोगों की मौत। एक दिन में 7,995 रिकवरी हुई। देश में एक्टिव मामलों की संख्या है 88,993। अब तक 4,75,888 लोग गंवा चुके हैं जान। वहीं 3,41,38,763 लोग अस्पताल से डिस्चार्ज। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण मुहिम के तहत एक दिन में 66,98,601 डोज दी जा चुकी हैं, जिसके बाद वैक्सीनेशन का आंकड़ा बढ़कर 133,88,12,577 हुआ। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के दो नए मामले और गुजरात में चौथा मरीज मिला। देश में अब तक 41 लोग नए वेरिएंट से संक्रमित। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के 20 मामले सामने आ चुके हैं। चीन के बाद पाकिस्तान में ओमिक्रॉन का पहला मामला सामने आया। कराची की 57 साल की महिला मिली कोरोना के नए वेरिएंट से संक्रमित। जांच के बाद नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने इस बात की पुष्टि की। कोरिया के वैज्ञानिकों ने ओमिक्रॉन टेस्टिंग के लिए नई तकनीक विकसित की। मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस टेस्ट के जरिए महज 20 मिनट में ओमिक्रॉन वेरिएंट का लगाया जा सकता है पता। बरेली में पुलिस मुठभेड़ के दौरान 8 बदमाश गिरफ्तार। डकैती समेत 3 चोरियों का हुआ खुलासा। बदमाशों के पास से 2,00,000 रुपए के सोने चांदी की ज्वेलरी और कई अवैध तमंचे और कारतूस बरामद।
बस्ती के भवनान कस्बे में शादी समारोह में हुई हर्ष फायरिंग, दुल्हन की चचेरी बहन के पैर में लगी गोली, घायल को अस्पताल भेजा गया। दूल्हे के जीजा समेत दो लोगों पर मुकदमा दर्ज। अमरोहा के गांव जेवड़ा में प्रेम प्रसंग के चलते युवक की हत्या, प्रेमिका ने अपने पति के साथ मिलकर बोरी में भरकर खेत में छिपाया शव, परिजनों को शक होने पर खुला राज, प्रेमिका की निशानदेही पर खेत से शव बरामद। फतेहपुर के अंबापुर NH2 से कार सवार बदमाशों ने टायर लदे ट्रक को लूट लिया, ट्रक चालक को बंधक बनाकर सड़क किनारे फेंक कर हुए फरार, चालक ने थरियाव थाने में तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया। लखनऊ के कृष्णानगर इलाके में युवक की गोली मारकर हत्या, बदमाश युवक को गोली मारकर हुए फरार, पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल में जुटी। पौड़ी में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पुलिस प्रशासन ने अवैध शराब की तस्करी को रोकने के लिए अपनी मुस्तैदी और अधिक बढ़ा दी। पुलिस ने एक साल के भीतर ही अपने चेक पोस्ट पर सघन चेकिंग अभियान के जरिए 124 अभियुक्तों को अवैध शराब की तस्करी के दौरान गिरफ्तार किया है। आगरा में भाजपा नेता का मुफ्त राशन के बदले वोट मांगने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, एबीपी गंगा नहीं करता इस वायरल वीडियो की पुष्टि। एटा में राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह यादव बोले, भगवान राम और भगवान कृष्ण को राजनीति से जोड़ना नहीं चाहिए, आम नागरिक चाहता है कि भगवान कृष्ण की जन्मभूमि से अवैध कब्जा हटे। हरदोई में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन को संबोधित करने पहुंचे विधानसभा उपाध्यक्ष नितिन अग्रवाल ने कहा, अयोध्या की 500 साल की लड़ाई भाजपा ने जीती, काशी को विश्व पटल पर पहुंचाया और अब मथुरा का विकास भी भाजपा सरकार करेगी। गाजीपुर में बलिया से भाजपा सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त ने कहा, गाजीपुर में पैसे और पिस्तौल की ताकत चलती थी, लेकिन अब पैसा और पिस्तौल गुजरे जमाने की बात हो चुकी है। आजमगढ़ में विजय संकल्प सभा में अनुप्रिया पटेल का हुआ स्वागत, अनुप्रिया पटेल बोली, यूपी में हमारा भाजपा से 2014, 2017 और 2019 के चुनाव में गठबंधन था, फिलहाल सीटों के बंटवारे को लेकर चल रही चर्चा। आगरा में भाजपा विधायक जितेंद्र वर्मा कार्यकर्ताओं के लिए ड्राइवर बन गए, जितेंद्र वर्मा का कार्यकर्ताओं को ले जाते हुए वीडियो हो रहा वायरल, बस में सवार समर्थक जिंदाबाद के लगा रहे नारे। बस्ती में प्राइवेट अस्पताल के उद्घाटन समारोह में पहुंचे भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल ने विपक्षी दलों पर साधा निशाना, कहा भाजपा को लाल या पीली टोपी से ना कभी खतरा था ना कभी खतरा रहेगा। भाजपा के राज्यसभा सांसद अशोक वाजपेयी ने हरदोई में सपा में शामिल हुए ब्राह्मण नेताओं को लेकर कहा, बसपा में रहते कुछ नहीं किया, सपा में जाने से कोई परिवर्तन नहीं होगा, हिंदू और हिंदुत्ववादी बयान को लेकर राहुल गांधी पर कसा तंज। बबीता फोगाट ने प्रियंका गांधी पर बोला जोरदार हमला, प्रियंका गांधी के लड़की हूँ लड़ सकती हूँ के नारे का जवाब देते हुए कहा, प्रियंका बहन को 50 साल की उम्र में आकर पता चला है कि वो लड़की हैं, लड़ सकती हैं, जबकि यूपी में लड़कियां तो बचपन से ही लड़ती आ रही हैं और मेडल भी ला रही हैं। सीतापुर के विधानसभा के रेउसा में पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक महापंचायत का हुआ आयोजन, महापंचायत में मुख्य अतिथि ओम राजभर रहे, राजभर ने प्रदेश सरकार पर बोला हमला, कहा जातिगत जनगणना, गरीबों का मुफ्त इलाज, घरेलू बिजली बिल माफ करना और प्राथमिकता रहेगी, जनसभा में अखिलेश की सरकार बनाने की अपील की। चंदौली में सपा ने भाईचारा सम्मेलन का किया आयोजन, पूर्व कैबिनेट मंत्री राम अचल राजभर ने की शिरकत, भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा 2022 में भाजपा सत्ता में नहीं आएगी। गाजियाबाद के लोनी में आम आदमी पार्टी ने तिरंगा यात्रा निकाली, जिसमें सैकड़ों की संख्या में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे, तिरंगा संकल्प यात्रा में आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह शामिल हुए। पौड़ी जिले की चौबट्टा खाल विधानसभा में खस्ताहाल सड़कों का मुद्दा गरमाने लगा, लोगों का सतपाल महाराज के खिलाफ फूटा गुस्सा, सड़क को लेकर किया प्रदर्शन, मामले में कांग्रेस ने भी सरकार को घेरा। ग्रेटर नोएडा में फर्जी विज्ञापन के खिलाफ यीडा ने दर्ज कराई FIR, फर्जी विज्ञापन में बताया गया कि 1 दिसंबर से यीडा ने इंडस्ट्रियल स्कीम लागू की है जो 4000 वर्ग मीटर के छोटे प्लॉट की है।
उत्तरकाशी के भटवाड़ी विकास खंड में भालुओं का आतंक। पूर्व सांसद सत्यदेव सिंह की याद में आयोजित लखनऊ जिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप का हुआ समापन। समापन कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय रेसलर बबीता फोगाट ने विजेताओं को बांटे पुरस्कार। इटावा सफारी पार्क में शेर के शावक नीरजा और गार्गी का लॉयन सफारी में एक साल पूरा होने पर मनाया गया जन्मदिन। शेर मनन और शेरनी जैसिका के शावक हैं नीरजा और गार्गी। खास तौर पर चिकन का केक बनाकर काटा गया। श्रीनगर आतंकी हमले में घायल एक और पुलिसकर्मी ने तोड़ा दम। अब तक 3 पुलिसकर्मी शहीद। श्रीनगर के जेवान में जम्मू कश्मीर पुलिस की बस पर आतंकवादियों ने गोलाबारी की थी। बस में करीब 25 पुलिसकर्मी थे। श्रीनगर के जीवान इलाके में आतंकी हमले में जान गंवाने वाले जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान शफीक अली को पुलिस लाइन रियासी में श्रद्धांजलि दी गई। दिल्ली में एयर क्वालिटी बेहद खराब श्रेणी में। दिल्ली में सुबह 7 बजे AQI 346 पर रहा, जो कि सोमवार को 307 रिकॉर्ड किया गया था। आसमान में धुंध ही धुंध नजर आई। नेशनल डिफेंस एकेडमी के लिए 1,77,694 महिलाओं ने आवेदन किया। अब सशस्त्र सेनाओं में हो सकेंगी शामिल। साल 2021 के लिए टोटल 5,75,856 आवेदन मिले हैं। ओमिक्रोन के बढ़ते मामलों के बीच महाराष्ट्र के नासिक में खुले स्कूल। क्लास 1 से 7वीं के छात्रों के लिए फिर स्कूल खोल दिए गए। पहले दिन स्कूलों को गुब्बारे और रंगोली से सजाया गया। टीचरों ने किया बच्चों का वेलकम। छोटे से बच्चे का मजेदार वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से हो रहा वायरल। अपने खिलौना ट्रैक्टर से सड़क पर फंसी JCB को बाहर निकालने की कोशिश करते दिख रहा है मासूम। उद्योगपति आनंद महिंद्रा ने अपने ट्विटर अकाउंट से शेयर किया है ये वीडियो। भारत ने UNSC के उस मसौदा प्रस्ताव के खिलाफ वोट किया, जिसमें क्लाइमेट चेंज को वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों से जोड़ने की बात की गई। भारत ने तर्क दिया ये कदम ग्लासगो में कड़ी मेहनत से किए गए सर्वसम्मत समझौतों को कमजोर करने की है कोशिश। दुनिया भर में हथियारों की नई नई तकनीक को लेकर चर्चा जारी। इस बीच रूस का दावा, वो हाइपरसोनिक मिसाइल तकनीक के मामले में दुनिया में पहले नंबर पर। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन बोले, रूस विश्व में सबसे आगे। फल और सब्जियों की कीमतों में बढ़ोतरी का असर अब खुदरा महंगाई दर के आंकड़ों पर पड़ा। नवंबर में खुदरा महंगाई दर बढ़कर 4.91% हो गया। अक्टूबर 2021 में खुदरा महंगाई दर 4.48% थी। देश में लगातार 40वें दिन ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल के रेट में कोई बदलाव नहीं किया। दिल्ली में पेट्रोल 95.41 रुपए प्रति लीटर, जबकि डीजल 86.67 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ने अपने सब्सक्राइबर्स को दी अच्छी खबर। EPFO ने 23.34 करोड़ खाताधारकों के अकाउंट में वित्त वर्ष 2020-21 का ब्याज जमा किया और इस बात की सूचना ट्वीट के जरिए दी। रेडबुल के मैक्स वेरस्टैपन ने फॉर्मूला 1 चैंपियनशिप का खिताब जीता। वेरस्टैपन ने फॉर्मूला 1 इतिहास के सबसे रोचक रेस में लुइस हैमिल्टन को आखिरी लैप में पछाड़ते हुए अबुधाबी ग्रैंड प्रिक्स जीती। विश्व चैंपियन बनने वाले पहले डच ड्राइवर बने। पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह जल्द अपना नॉन फंजिबल टोकन करेंगे लॉन्च। युवराज ने अपने 40वें जन्मदिन पर इस बात का किया ऐलान। अपने NFT कलेक्शन के साथ फैंस को बड़ा तोहफा दे रहे युवराज। महाराष्ट्र में मंडराते ओमिक्रॉन के खतरे के बीच करीना कपूर कोरोना पॉजिटिव पाई गई। उनके साथ उनकी करीबी दोस्त अमृता अरोड़ा भी संक्रमित पाई गई। हाल ही में दोनों को दोस्तों के साथ पार्टी करते स्पॉट किया गया था। भारत की हरनाज संधू ने मिस यूनिवर्स 2021 का टाइटल और ताज अपने नाम किया।
पंजाब की रहने वाली हरनाज ने 21 साल की उम्र में ये खिताब जीता। यूनिवर्स प्रेजेंट इस साल इजराइल के इलियट में हुआ। भारत ने 21 साल के लंबे अरसे के बाद जीता मिस यूनिवर्स टाइटल। हरनाज संधू से पहले साल 1994 में सुष्मिता सेन और 2000 में ये टाइटल लारा दत्ता ने जीता था। भारत ने अब तीसरी बार ये टाइटल अपने नाम किया। एक्ट्रेस सारा अली खान, जानवी कपूर और इब्राहिम अली खान मुंबई में एक कॉन्सर्ट के बाद एक साथ स्पॉट किए गए। खास बात ये थी कि तीनों अपनी लग्जरी कार छोड़ टैक्सी में दिखे तो हर कोई हैरान हो गया। बॉलीवुड एक्टर टाइगर श्रॉफ ने शूटिंग से पहले -1 डिग्री टेम्परेचर में शर्टलेस होकर दौड़ लगाई। टाइगर ने इसका वीडियो शेयर किया जिसे देख सेलेब्स और फैंस उनकी हिम्मत की दाद दे रहे हैं। टेस्ला के सीईओ एलन मस्क को टाइम मैगजीन ने टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर 2021 चुना। मौजूदा समय में दुनिया के सबसे अमीर शख्स हैं एलन मस्क। सामना में दावा किया गया मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र के मुसलमान सिर्फ शिवसेना को वोट देते हैं। साथ ही लिखा, कांग्रेस ने पीड़ित मुसलमान महिला के अधिकार को खारिज किया। महाराष्ट्र में शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी के महाआघाड़ी गठबंधन में दरार के संकेत। शिवसेना ने सामना के संपादकीय में कांग्रेस पर साधा निशाना, लिखा अब कांग्रेस की हालत जर्जर महल की तरह हो गई।